पिछले दिनों विधायक से मंत्री बने रविंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने डोंबिवली रोड की खस्ता हालत को लेकर कहा कि जो पाप किया है उसको धुलने का समय आ गया है। एक दिन में 28 किलोमीटर का रास्ता बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ 8 सालों में कल्याणशील रास्ते का काम भी चालू है, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि मुझे 380 करोड़ रुपए मिले होते तो मैं 72 घंटे के अंदर डोंबिवली के सभी रास्तों की मरम्मत कर देता। वहीं मंत्री रविंद्र चौहान के इस बयान को लेकर शिंदे गुट के युवा नेता दीपेश म्हात्रे ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि रविंद्र चौहान पीडब्ल्यूडी में मंत्री हैं, उन्हें उस पर भी टीका टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। रविंद्र चौहान ने 13 सालों से डोंबिवली में कोई काम नहीं किया, अपना पाप छुपाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगाना कहां तक सही है? इसके साथ ही सुनते हैं युवा नेता ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने पिछले 13 सालों से डोंबिवली में कोई काम नहीं किया, डोंबिवली के लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दे पाए, इसकी वजह से वो दूसरों पर आरोप कर अपने जो पाप है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और डोंबिवली के जो दो प्रमुख रास्ते हैं, जो डोंबिवली में आज जहाँ से डोंबिवली के लोग आते जाते हैं, जो घरडा सर्कल वाला रोड है और मानपाड़ा रोड है, ये दोनों रास्ते पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं। तो उन्होंने कल कहा है कि 72 घंटों में पीडब्ल्यूडी सब रास्तों के जो खड्डे है, जो रास्तों में पड़े हुए गड्ढे है, वो बुझाने का काम करेगी। तो 72 घंटे तो उनको मंत्री बनकर करीबन 1.5 महीना हो चुका है।